आज की वीडियो में बात मीडिया डिबेट की करते हैं, जिनमें विपक्षी नेताओं ने मीडिया एंकर को सरकार का पक्ष लेने और बार बार टोकने पर फटकार लगाई हो। न्यूज 18 पर लखीमपुर की घटना को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार की आलोचना की तो एंकर ने सवाल प्रियंका गांधी पर उठाना शुरू किया, जिस पर प्रवक्ता ने एंकर की क्लास लगा दी। वहाँ पे मामला पूरा सेटल हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी वहाँ राजनीति के लिए जा रही थी, पॉलिटिक्स के लिए जा रही थी। लेकिन अगर जाना ही है तो फिर राजस्थान जाना चाहिए, ना किसानों की पिटाई वहाँ पे भी जाना चाहिए। तो पॉइंट तो ये कि कांग्रेस भी को भी लग रहा है कि कांग्रेस में अगर उत्तर प्रदेश में हालत खराब है तो रिवाइव हो सकती है, सीट सब यही एक पॉइंट है। आप कह रहे हैं यूपी पुलिस तफ्तीश करेगी, अगर गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? आप मुझे बताइए, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तरफा बात मत करिए, पत्रकार को सिक्के के दोनों। मैडम देखिए, अब देखिए रागिनी जी, प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को लगता है कि हर वक्त हर व्यक्ति हर बार एक तरफा बात करता है। अखिलेश यादव को भी रोका गया, अखिलेश यादव रुक गए, शिवपाल यादव को भी रोका गया, वो रुक गए, लेकिन अब जिद पे कोई अड़ता कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे जी, फिर कैसे होगा काम? अगर मुख्यमंत्री खट्टर दे और कहे कि लठ निकाल लो, किसानों के सर पे बजाओ, जेल जाओ, नेता बनकर आओगे, तो खट्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर खालिस्तानी समर्थक कोई भी इस तरीके का वीडियो करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी न्यूज पर लखीमपुर की घटना पर हुई डिबेट में सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से किया। जब वह जवाब दे रहे थे तो एंकर ने टोका, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। और आज जब घटना स्थल पर घटना हो गई, तो आज राजनीतिक दलों के रूप में विपक्षी दल जाकर के पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उनको आप अरेस्ट कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। किस बात को छुपाना चाहते हैं आप? सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, जनता के सामने सच्चाई को आने नहीं देना चाहते। और जिस घटना के अंदर गृह राज्य मंत्री का लड़का दोषी है, उसकी केंद्र की सरकार गृह मंत्री के मौजूद रहते हुए वो कैसे उसकी जांच निष्पक्ष हो सकती है? इस देश की अदालतें भी कहती हैं, इस देश की जुडिशरी भी कहती है। एक सेकंड सर, किसी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूं मैं सर, एक सेकंड। आप तो यहां पर न्यायिक जांच की जरूरत नहीं थी साखला जी, उससे बढ़िया जांच तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो कर लेती है वो बेहतर है। आप तो अपनी पॉलिटिकल जांच के आधार पर जजमेंट पास कर रहे हैं सर, अपनी पॉलिटिकल जांच के, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जांच के आधार पर जजमेंट दे रहे हैं सर। एम एच खान, डॉक्टर एम एच खान सर, मैं सबको मौका दूंगी, सब यहाँ बोलने के लिए आए हैं सर, सब यहाँ बोलने के लिए आए हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर एम एच खान, डॉक्टर एम एच खान। न्यूज 18 पर लखीमपुर की घटना पर हुई डिबेट में सवाल एसपी के नेता से किया। जब वह जवाब दे रहे थे तो एंकर ने बार बार टोका, जिस पर नेता ने एंकर की क्लास लगा दी। आपके पहले टीवी पे एक एड चल रही थी, न्यूज 18 पे मैंने देखा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे एड चल रही थी आपके ही चैनल पे, योगी जी की एड, छा गई रे योगी सरकार, छा गई रे, छा नहीं गई रे, खा गई रे योगी सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश को खा गई रे। फिर उसमें लिख के आ रहा, फिर गाना आगे बज रहा है, चेहरों पे मुस्कान है। किसके चेहरे पे मुस्कान है? कोविड काल में जिन लोगों के घरों में मौतें होगी और बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए, उनके चेहरे पे मुस्कान है। पूरा उत्तर प्रदेश महंगाई बेरोजगारी से पूरा देश आत्महत्या कर रहा है, किसके चेहरे पे मुस्कान है? योगी जी मैं पूछना चाहता हूँ, वो योगी जी आपका बुलडोजर कब चलता है भैया? वो व्यक्ति जिसके बेटे पे 302 की FIR है, उसका बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जब समाजवादी लोग घर से निकलते न्याय दिलाने के लिए किसानों को, तो उनको आप बंधक बना लेते हो। पीछे रह गए अनुराग, थोड़ा कर दोगे समाजवादी, पीछे रह गए। इस बार राहुल जी और प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली, कितने लोगों का न्याय? ये सब आगे पीछे, चूंकि बीजेपी सोच रही है फंस गई। अब बीजेपी क्या करे? बीजेपी के पास जवाब नहीं है, तो कांग्रेस चली गई, टीएमसी चली गई, फलाना चली गई। अरे न्याय मिलना चाहिए न्याय, और वो जेल के अंदर होना चाहिए। जी न्यूज पर लखीमपुर की घटना पर हुई डिबेट में एसपी के प्रवक्ता ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग और बीजेपी की आलोचना की तो एंकर ने प्रवक्ता को टोकना शुरू किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। ये व्यक्ति इस पर बोलिए ना, ये जो लोग ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन पर भी एक्शन की बात कीजिए ना सर, उन पर भी एक्शन की बात कब करेंगे अखिलेश यादव? जिस समय आदित्यनाथ इस्तीफा दे देंगे, केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे देंगे, ये मंत्री अहंकारी रौंदने वाला मंत्री, मैं आपसे जिस वीडियो को लेकर सवाल पूछूंगा, वीडियो आप चलाइए पहले, वीडियो को देखिए सर, इतनी संवेदनहीनता नहीं चलेगी सर। हमने जी न्यूज की कल की हेडलाइन देखी थी कि जी न्यूज ने नागरिकों के बारे में कहा, जी न्यूज कहता है आप जी न्यूज से, आप जी न्यूज से लड़ने आ जाते हैं सर, आपको जी न्यूज से लड़ना है। मैं चाहती हूँ दर्शक इस वीडियो को देखें और मेरे सवाल में उन्हें क्या कोई कमी दिखाई दे रही है, मेरे सवाल में उन्हें क्या कोई कोताही दिखाई दे रही है? एक संवेदनशील सवाल आपसे पूछ रही हूँ, और उस पर संवेदनशीलता दिखाने के बदले आप मुझे अटैक करने आए हैं सर। आपकी राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहता है, देखिए अपने बारे में इतना भी अहंकार ठीक नहीं, आप जी न्यूज नहीं है पहली बात, दूसरी बात की जी न्यूज की हेडलाइन दिखाइए। मैं जी न्यूज नहीं हूँ, मैं अपने चैनल को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरे को अहंकार की जरूरत नहीं है सर, मुझे अहंकारी होने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल मैं राजनेता नहीं हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी।
If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.